चुनाव में कुलदीप बिश्नोई के साथ अपने परिवार का प्रारंभ से राजनीतिक विरोध रहा है, गठबंधन के साथी के नाते क्या आप अपने आप को असहज अनुभव नहीं करेंगे उनका समर्थन? राजनीति में पारिवारिक विरोध अलग चीज है, राजनीतिक विरोध अलग चीज है। अब वो हमारे सहयोगी है, जब विरोधी थे तो विरोध था, अब सहयोगी है तो सहयोग होगा। गुजरात में भी आप अपनी पार्टी का विस्तार करने जा रहे हैं जी जी, तो वहाँ आप इंडिपेंडेंटली चलेंगे या वहाँ बीजेपी के साथ? नहीं, हम जहाँ जहाँ भी भाजपा है वहाँ उनके सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। राजस्थान में भी, गुजरात में भी, हरियाणा में भी। सर, आदमपुर में गठबंधन चुनाव लड़ेगी या अलग अलग पार्टी चुनाव लड़ेगी? गठबंधन लड़ेगा भैया। लगातार बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है, अब तो जोड़ी जा रही है, काटी नहीं जा रही, जो कटी थी वो भी दोबारा से बनाई जा रही है। लगातार हरियाणा में स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं, दुरुस्त कर ले, स्कूल भी बंद किया जा रहा है लगातार। बंद नहीं किए गए, कुछ मर्ज किए गए हैं, जहाँ पे संख्या कम थी उनको मर्ज किया गया है। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है। खानपुर में सर, कौन से? बहुत जगह शिकायत है, मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर, डॉक्टर बीमार है। हाँ, तो दूसरे जगह से भी लोग आके एडमिट होते हैं आपके यहाँ डॉक्टर। यहाँ से वीरेंद्र सिंह आए, वीरेंद्र सिंह ने ये कहा कि हमने जजपा का समर्थन स्थायी सरकार देने के लिए लिया था, अगले चुनाव तक हमारा जजपा के साथ गठबंधन नहीं रहेगा, कैमरे के आगे उन्होंने। ये चौधरी वीरेंद्र सिंह तय करने वाले नहीं है, पार्टी हाईकमान डिसाइड करता है। ये अधिकार वीरेंद्र सिंह जी को किसने दिया है मुझे उनसे ही पूछ लो। नाम पे राजनीति की जाती है, लेकिन गौएं सड़कों पे घूमती दिखाई देती है। भैया है ये प्रॉब्लम, इसका हल कैसे है? हल तो ये एक सामाजिक समस्या है, समाज के सब लोग मिलकर के करें तब हो सकता है। सरकार के स्तर पे इस चीज का हल नहीं होता। जगह जगह लोगों ने गौशालाएं खोली है, गौशालाओं में लोग सहयोग दे करके उनकी मदद करते हैं, ये तो सामाजिक समस्या है। ठीक है सर, थैंक यू।